नमस्कार दोस्तों, मैं मनी स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 1992 में गुड्स गार्ड का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसी का जीएस का प्रश्न मैं लेकर आया हूं। 15 प्रश्न होंगे, वो इजी ही हैं, आपको पता होगा इसमें से। लेकिन अगर आपको एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको ये याद भी हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को ये रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप देखें कितना इजी प्रश्न आया था उस समय। देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? अगर आपके शरीर में 1 ग्राम फैट अगर कंज्यूम होती है, जलती है, तो कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका है? मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका आहार नाल की कोशिकाएं हैं। इसका आंसर होगा ए, आहार नाल की कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ये मैंने कई बार आपको बताया है, इसकी संख्या 20 है। इसकी संख्या 20 है, अमीनो एसिड की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्वपोषी कौन है, यानी कि ऑटोट्रॉप, इंग्लिश में बोले तो ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? जिसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके पास होता है? हरे पादप के पास। तो यानी कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है, हरे पादप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है। देखिए, एक श्वसन दर होती है और एक धड़कन की गति होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे जो अभी बिगनर होंगे वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो श्वसन दर, जैसे आपने सांस लिया और सांस छोड़ा, तो वो आपके श्वसन रेट हो गया, और आपके दिल की धड़कन है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो नहीं रुक सकता है। अगर रुक गया तो समझिए आप भी रुक जाएंगे, आपकी लाइफ भी रुक जाएगी। तो जो श्वसन दर है उसको हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे श्वसन दर की बात की जा रही है, तो ये कितनी होती है? 12 से 18 बार, यानी कि 1 मिनट में हम 12 से 18 बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। यानी कि एक बार सांस लिए, एक बार सांस छोड़े, तो उसको हम एक काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें से एक और प्रश्न बन जाता है कि बच्चों में श्वसन दर ज़्यादा क्यों होती है, और बच्चों में मैं बताऊं कि 35 से एभव होती है, यानी कि 35 बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं 1 मिनट में। वो तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 35 बार, यानी कि 35 मिनिमम है बच्चों में। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और ज़्यादा ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चे होते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, तो उनमें मेटाबॉलिक क्रियाएं ज़्यादा रफ्तार से होती है, यानी कि उनके लिम्स वगैरह बढ़ रहे होते हैं, उनके हाथ पैर काफ़ी चीज़ें बढ़ रहे होते हैं, सब चीज़, उनका पूरा शरीर बढ़ रहा होता है। तो पूरा शरीर बढ़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो उनके अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिक क्रिया बोले तो हिंदी में तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मेटाबॉलिक क्रिया उसे कहते हैं। मेटाबॉलिक को भी दो पार्ट में बांटते हैं, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें बनती है और कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है, तो टोटल मिलके मेटाबॉलिक क्रियाएं कहलाती है। बनती है तभी तो उसका हाथ पैर एकदम से लंबा चौड़ा होता चला जाता है। तो उस समय उसमें श्वसन दर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि श्वसन दर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिक क्रियाएं होगी। आप देखे होंगे कि आप जब दौड़ते हैं तो आप तेज़ी से श्वास लेते हैं, यानी कि आपका जो श्वसन रेट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपके शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। जब ऑक्सीजन हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा बार सांस लेंगे। उसी तरीके से बच्चे दौड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना तेजी से अंदर प्रोसेस चलता रहता है, फॉर्मेशन की क्रिया चलती रहती है, प्रोटीन इतना तेजी से बनता रहता है कि उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी ऑक्सीजन से मिलेगी। तो इसी वजह से बच्चों में जो रिस्पायरेशन रेट होती है वो ज्यादा होती है। तो आपको टोटल समझ में आ गई होगी कि रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा या कम होने का क्या मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, बिलीरुबिन एक निश्चित मात्रा में छूटती है तब तो ठीक है, क्योंकि वो पाचन और बहुत सारी क्रियाओं में सहायता करती है। लेकिन अगर ज़्यादा छूटने लगे, अगर बिलीरुबिन एक कंपाउंड है, एक केमिकल है जो कि हमारे यकृत के द्वारा छोड़ा जाता है,
यानी कि लीवर के द्वारा छोड़ा जाता है। तो अगर वो चीज़ें ज़्यादा छूटना चालू हो जाए तो वो किस रोग का रूप ले लेती है, वो पीलिया का रूप ले लेती है। या आपने देखा होगा जिनको पीलिया हो जाती है उनकी आंखें एकदम से पीला पीला हो जाता है, एकदम से बॉडी पीला होने लगता है। तो बिलीरुबिन के ज़्यादा सेक्रेट होने की वजह से हमारा जो शरीर होता पीला होने लगता है, और मतलब कि हमारा यूरिन भी पीला होने लगता है। तो इस रोग को हम कहते हैं पीलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीट में श्वसन के लिए अंग होते हैं, जो कीट होते हैं उसमें श्वसन के लिए क्या होते हैं, उसमें श्वसन के लिए श्वसन नलिया होता है। अब देखिए ये श्वसन नलिया कहाँ पे होता है, ये सपोज ये कीट है, ठीक है, ये कीट है, इसके पैर हैं। तो अब इसमें श्वसन कहाँ से होगा, हम लोग का नाक यहाँ पे माउथ के पास रहता है, लेकिन इसमें कहाँ रहता है, ये जो पूरा ऊपर का जो पार्ट है ना, इसमें इसका छिद्र नुमा स्ट्रक्चर रहता है। आप देखे होंगे कीड़े वगैरह कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है, उसके एग्जैक्ट पार्ट को देखेंगे आप, लेंस से देखेंगे तब दिखेगा। तो यहाँ इस पार्ट से वो श्वसन लेते हैं, तो इस पार्ट के जो इस तरह से गड्ढे गड्ढे होते हैं उसको कहते हैं श्वसन नलियाँ, ठीक है। तो कीट कहाँ से श्वास लेते हैं, श्वसन नलियाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करने वाला ग्रंथि एड्रिनल है, और एड्रिनल कहाँ पे पाया जाता है, आपके जो किडनी होती है ना उसके ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, सभी को पता होगा लोहे होती है। अगला देखते हैं, दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है, दांतों के निर्माण में हमारे लिए फास्फोरस आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसा में घुलनशील विटामिन, अब देखिए बसा में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो आप एक सेंटेंस में याद कर लेंगे, ए ए डी ई के, ये जो है ये जो विटामिन है ये बसा में घुलनशील है, और इसके अलावा जितने भी बच गए, कौन बच गए, बी बच गए और सी बच गए, ये दोनों कहाँ पे घुलनशील होंगे, ये दोनों पानी में घुलनशील है, यानी कि बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी बच गए जो बसा में घुलनशील है। तो आपको अगर बी सी याद है तो ये चीज़ें याद हो जाएगी, अगर ए चीज़ याद है तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है आप बी सी सिर्फ याद करें, बी सी यानी कि आपको इस तरह से याद करना है, सी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि जब आप नींबू का रस घोलते हैं किसी पानी में तो वो घुल जाता है। अभी कभी आप शरबत बनाते होंगे तो नींबू का रस तो जरूर घोलते होंगे, यानी कि सी तो पानी में घुल रहा है, सी के साथ एक और उसके साथ कौन आता है, बी आता है, आप इस तरह से याद करेंगे। तो यानी कि पानी में घुलनशील वाला तो याद हो जाएगा, और जो नहीं याद हुआ ऑब्वियस है बसा में घुल जाएगा, तो इस तरह से आप याद करेंगे। आगे देखते हैं, सेलुलोज का सबसे शुद्ध स्रोत है, सेलुलोज का सबसे शुद्ध स्रोत रुई है, ठीक है। अगला देखते हैं, जिस व्यक्ति के मसूड़े से खून स्राव होता है उसे भोजन के साथ खाना चाहिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें उस व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है, जिसकी वजह से मसूड़े से खून निकलने लगता है। तो विटामिन सी की कमी किससे पूर्ति होगी, खट्टे फल से पूर्ति होगी, तो आंसर क्या होगा, खट्टे फल। अगला देखते हैं, प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया, प्रथम क्लोन, क्लोन किस लिए बनाया जाता है, क्लोन से हम हूबहू वैसा ही जीव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अगर भैंस का क्लोन किया गया तो भैंस के जो कुछ सेल हैं उससे हम एक भैंस बना सकते हैं, तो ये क्लोनिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले किस जंतु का क्लोन बनाया गया, तो सबसे पहले मेंढक का क्लोन बनाया गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो 15 आपके जीएस के प्रश्न हैं, क्योंकि एनटीपीसी 1992 में आए हैं, वो आपको बहुत सारे चीज़ें याद होंगे, और एक दो चीज़ें अगर आपने भूल गए होंगे तो वो चीज़ें आपके लिए रिवीजन का काम किया होगा। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपके लिए लाभकारी ही होगा। तो अगले वीडियो में इसी तरह के एनटीपीसी के और भी क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा, इससे आपको घाटा तो होने वाला है।